मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है? डर के कारण, भय के कारण। भय किस बात का? एक ही भय है जो लोगों को छाया की तरह पीछा कर रहा है 24 घंटे जागते सोते, और वह भय यह है कि अगर मैं व्यस्त न रहूं, उलझा न रहूं, तो कहीं मुझे मेरे भीतर का शून्य न दिखाई पड़ जाए। अहंकारी को तो व्यस्त रहना ही पड़ेगा। व्यस्त रहकर ही अहंकारी अपने को मान सकता है कि मैं कुछ हूं। इसलिए लोग बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे नहीं, बड़े काम करना चाहते हैं। ऐसे काम करना चाहते हैं कि दुनिया भर को पता चल जाए कि मैंने ये किया, कि मैंने वह किया। छोटे मोटे काम में रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटे मोटे काम छोटा मोटा अहंकार ही पैदा कर सकते हैं। अब बुहारी लगाओ कि खाना बनाओ, कितना बड़ा अहंकार उसमें से पैदा करोगे। लेकिन प्रधानमंत्री हो जाओ, राष्ट्रपति हो जाओ, तो भारी अहंकार पैदा कर सकते कि मैं कुछ विशिष्ट हूं, 60 करोड़ लोगों में मैं कुछ विशिष्ट हूं। तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसी जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहां कुछ विशिष्ट काम में उलझ जाए, अपने को भर लेना चाहते। मनस्वित कहते हैं कि जो आदमी जितना ही अपने भीतर की शून्यता से घबराया होता है, उतना ही पद लोमुप हो जाता है। भीतर जो लोग हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होते, वे लोग पदलोलुप हो जाते। पद की दौड़ हीनता का प्रक्षेपण। जो व्यक्ति सचमुच ही भीतर हीनता से पीड़ित नहीं होता, वो पद की दौड़ में नहीं होता। उसे करना क्या है? वो जैसा है वैसा परमानंदित है। मेरा जोर तुम पर, तुम क्या करते हो ये गौण, तुम क्या हो यही महत्वपूर्ण है। आनंदित हो, और आनंदित होने का एक ही उपाय, मात्र एक ही उपाय, कभी दूसरा उपाय नहीं रहा, आज भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगा। ध्यान के अतिरिक्त आनंदित होने का कोई उपाय नहीं। ध्यान को हल्का फुल्का समझो, खेल खेल में लो। हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, हंसो खेलो और ध्यान करो, हंसते खेलते ध्यान करो। अब पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए ध्यानी चाहिए।